गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.5 और 7.6 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 7.5 और 7.6 में भिन्नों की जोड़ और भिन्नों की बाकी की संबंधित सभी सवाल हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं भिन्नों की जोड़ या घटाना। आज हम सबसे पहले भिन्नों का योग और घटाना सीखेंगे, उसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। इसमें भी दो नियम है। पहला नियम, जब हर समान हो। जब हर क्या हो? समान। उदाहरण के लिए हम कोई भी दो भिन्न ले लेते हैं। जैसे यहां हम देखें तो यहां हर समान है। जिसका हर समान है उसकी जोड़ और बाकी बहुत ही सरल होती है। क्या करिए, हर को एक बार लिखिए। हर को कितनी बार लिखना है? एक बार। चाहे दो बार लिखा हो, चाहे छह बार लिखा हो, चाहे दस बार लिखा हो, हमें लिखना है हर को एक बार। और ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिखना है। अर्थात यहाँ तीन है, बीच में प्लस है और यहाँ दो है। अब इसको सरल कर दो, तीन और दो पांच बट्टे आठ, तो यही हो जाएगी इस भिन्न की जोड़। एक और लेते हैं, जैसे यहां, यहां भी हम देखें हर समान है। तो चाहे तीन बार है, चाहे दो बार है, कितनी बार भी हो, हमें सिर्फ एक बार लिखना है। और ऊपर जैसा है वैसा लिख लीजिए, दो प्लस एक प्लस और ये तीन। अब थोड़ा सरल कर लीजिए, दो और एक तीन, तीन और तीन छह। तो इस भिन्न की जोड़ आ जाएगी यह तो था जब हर समान हो। इसी में बाकी के रूप में, तो बाकी के रूप में भी सेम यही है, बस वहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे अब यहाँ बाकी है, तो यहां भी हम देखे हर समान है। तो समान होने पर एक बार लिखो और ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिखो, तो पांच माइनस दो। और अब इसको सरल कर लो तो हो जाएगा तीन बटा नौ। और इसको यदि हम काट ले तो एक बटा तीन, यानी सरलतम रूप में लेके आ जाए तो एक बटा तीन। तो इस तरह से हम भिन्नों की जोड़ या भिन्नों की बाकी आसानी से कर सकते हैं, जब क्या हो, हर कैसे हो, समान। और अगर मिश्र भिन्न के रूप में हो जैसे यहां मिश्र भिन्न के रूप में, तो पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न में बदलने का हमने सूत्र पढ़ा था, पूर्ण इंटू हर प्लस अंश और बट्टे में आएगा हर। यह हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसकी सहायता से हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो आठ का दो से सोलह, सोलह में तीन जोड़ देंगे तो उन्नीस बट्टे आठ, और आठ का दो से सोलह, सोलह में एक जोड़ देंगे, सत्रह बट्टे आठ। आप देखिए हर समान हो गए और ये भिन्न के रूप में आ गई। तो भिन्न के रूप में आते ही हर को एक बार और ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिखो, उन्नीस माइनस सत्रह। अब 19 में से 17 गए दो और यहाँ बच गए आठ, और इसको थोड़ा सरलतम रूप में लिखेंगे तो एक बटा चार। तो इस प्रकार हम किसी भी भिन्न की जोड़ या बाकी कर सकते हैं, जब हर क्या हो, समान। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। इसका दूसरा पॉइंट है, और जब दूसरा नियम है, जब हर क्या हो, असमान। जब हर कैसे होंगे, असमान, तब हम इस सवालों को कैसे हल करेंगे। जैसे यहां, यहां हम देखें हर असमान है, यहां तीन है जबकि यहां क्या है, चार। तो जब भी हर असमान होंगे तो सबसे पहले हमें लेना होगा हरों का लसब। क्या लेना होगा? हरों का लसब। तो यहां हम रफ में हरों का लसब तीन और चार का हम लसब ले लेंगे, तो दो का डिवाइड, फिर दो का और फिर तीन का। तो हम देखें इसका लसब आया दो गुणा दो गुणा तीन, और इसको जब हम सरल करेंगे तो लसब क्या आ गया, बारह।
तो इसका लसब क्या आएगा? 12। उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे हर के रूप में, जो लसब आएगा वो हर के रूप में आएगा। अब आपको नियम याद रखना है, क्या नियम है? हर से भाग और अंश का गुणा, यह नियम हमें याद रखना है। हर से भाग करना है और अंश से गुणा करना है। कैसे? आप पहली भिन्न को लेंगे, इसका हर क्या है? 3। तो 3 का भाग देना है इसमें, 3 का भाग देना है इसमें 12 में, यानी कि जो आपका लसब आया उसमें 3 का भाग देना है, तो आंसर आएगा 4। और 4 का क्या करना है? अंश का गुणा। अंश कितना है? 1 है, तो 1 का गुणा करना है 4 से। फिर प्लस है तो प्लस। अब 12 में भाग किसका देंगे? 4 का। तो 12 में 4 का भाग 3 बार, और जो आंसर आएगा उसका अंश से गुणा करना है। इस बार अंश कितना है? 1। 1 गुणा 3। आप पहले कोष्टक सरल कर लीजिए, 4, 3 और बट्टे में 12। लास्ट आंसर आएगा 7/12। तो यही इस दिन की जोड़ होगी। वापस समझते हैं इस सवाल को। जैसे जैसे यहां हम देखें 2/5 और प्लस में 1/3, हर अलग लगे, तो पहले लसब ले लो। तो इसका लसब आ गया 15। उसको यहां हम नीचे के रूप में लिखेंगे। अब अपने को नियम याद रखना है, हर का भाग अंश से गुणा। तो यहां पहली भिन्न को देखिए, सिर्फ पहली भिन्न को। तो पहली भिन्न है 2/5, हर क्या है? तो हर 5 है, तो 5 का भाग देना है 15 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और जो आंसर आएगा उसका अंश से गुणा करना है। तो इसका अंश कितना है? अंश से 2, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे? वापस समझिए, 5 का भाग दिया 15 में, कितनी बार? 3 बार। और जो आंसर आया उसका गुणा करना है इससे। फिर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अब 3 का भाग देना है, क्योंकि अब ये दूसरी भिन्न, अब ये है 3 का भाग देना है 15 में 5 बार, और गुणा करना है अंश से। अंश कितना है? अंश 1 है। बस हो गया। अब इसको हम सरल कर देंगे, 3 का 2 से गुणा 6, और 5 का 1 से 5 और 15, और लास्ट आंसर आ जाएगा 11/15। एक लास्ट उदाहरण देखते हैं, फिर अपन इन सवालों को आगे हल करते हैं। इस बार यदि हम एक बाकी की ले लें सवाल, उदाहरण के लिए जैसे यह, तो यहां हम देखें हर अलग अलग, यहां 10 है जबकि यहां 5 है, तो हरों का लसब ले लीजिए। तो हरों का लसब आ गया 2/5 = 10। लसब क्या आ गया? 10। तो इसको लिख लीजिए। अब अपने को नियम याद रखना है, हर का भाग अंश से गुणा। तो यहां हम यदि पहली भिन्न को देखें, तो पहली भिन्न का हर क्या है? यह हमारी पहली भिन्न है, इसका हर क्या है? 10। तो 10 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। और उसका गुणा करना है अंश से। अंश कितना है? 7। अब यह माइनस आ गया, तो माइनस। अब इस दूसरी भिन्न को लेंगे, इसका हर क्या है? 5। तो 5 का भाग देना है 10 में, कितनी बार? 2 बार। और गुणा करेंगे अंश से। अंश कितना है? 2 ही है। अब अपना आंसर आ जाएगा 7 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से, और हर में तो 10 ही है। सरल करेंगे तो 3/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें भिन्नों की जोड़ और भिन्नों की बाकी करनी है। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पॉइंट नंबर 1, हल कीजिए 1/18 और 7/18। अब देखिए
क्या भिन्नों का जो हर है वो समान है या नहीं। तो हम देखें यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18, हर समान है। समान होने पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ना लसब लेना है, कुछ नहीं करना है, हर को लिखना है एक बार और ऊपर जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखना है। तो एक और सात मिल के हो गए 8 और बट्टे में 18, इन दोनों को दो की टेबल से काट दिया तो 4/9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे को देखें, 12/15 - 7/15, यहां भी हम देखें हर समान है 15 और 15, तो हर को लिखेंगे एक बार और अंश में जैसा लिखा वैसा लिख लीजिए 12 - 7। इस बार माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। अब वही इसको सरल कर लीजिए, 12 में से 7 गए 5/15, और इसको भी यदि हम 5 के पहाड़ी से काट लें तो लास्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, 2/3, 3/4, 1/2। यहाँ हम देखें भिन्न तो 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो हर है वह अलग अलग है यानी असमान है। तो असमान होने पर सबसे पहले हमें इनका लेना होगा लसब और उसके बाद इसको हम सरल करेंगे। तो पहले हम हरों का लसब ले लेते हैं 3, 4 और 2, तो 2 का भाग दे देंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे और अब 3 का दे देंगे, तो लास्ट आंसर हमारे पास आ गया 2×2×3=12। यह हमारा हो गया लसब। सबसे पहले लसब को लिख लीजिए। अब हमें नियम याद रखना है, हर का भाग अंश से गुणा। तो अब हर क्या है, पहली एक एक भिन्न को देखेंगे तो पहली भिन्न में हर क्या है, तो हम देखते हैं हर कितना है 3। तो 3 के पहाड़े में 12 कब आता है, यानी कि 3 का भाग देना है 12 में 4 बार। और ध्यान रखिए ये भाग हमेशा पूरा जाएगा अगर आपने लसब सही लिया है। तो यदि भाग पूरा नहीं जा रहा है, जैसे यहाँ कभी 13 नहीं आएगा, यहाँ कौन सी संख्या आएगी जो इन तीनों के पहाड़े में कॉमन होगी। तो 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार और 4 का गुणा करना है अंश से। अब प्लस है तो प्लस, अब इस भिन्न को देखना है हर कितना है 4, तो 4 के पहाड़े में 12 कब आते हैं 3 बार और गुणा करना है अंश से। फिर प्लस है तो प्लस, और अब ये वाली लास्ट पहाड़ी भिन्न लेनी है, 2 के पहाड़े में 12 कब आते हैं 6 बार और गुणा करना है अंश से। इतना कर दिया, अब कोष्ठक सरल करो और आंसर आ जाएगा 4 का 2 से, 3 का 3 से, 6 का 1 से, 8 और 6 14, 14 और 9 23। तो आंसर कितना आ जाएगा 23/12। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 4/4 = 2/3 + 3/1/4। अब यहां भी हम देखें इस बार यह हमारा मिश्र भिन्न के रूप में है, तो पहले हम इसको अनुचित भिन्न में बदल देते हैं, और अनुचित भिन्न में बदलने का सूत्र हमने सीखा था, पूर्ण × हर + अंश/हर। यह किसी भी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का फॉर्मूला है। तो 4 का 3 से 12, 12 में 2 जुड़ गए 14, 14/3, 4 का 3 से 12, 12 में 1 जुड़ गया 13, 13/4। अब हमें यह आंसर मिल गया। अब देखते हैं हर समान है अलग अलग है, अलग अलग है तो अलग अलग होने पर लसब ले लो। इस बार भी लसब वही आएगा 12, लसब क्या आ गया 12। अब लसब को लिख लीजिए और आप अपने नियम याद रखना है, हर का भाग अंश से गुणा। तो पहली भिन्न का हर क्या है 3, तो 3 के पहाड़े में 12 कब आते हैं 4 बार और गुणा करेंगे अंश से। इसी तरह 4 के पहाड़े में 12 कब आते हैं 3 बार और गुणा करेंगे अंश से। अब 14 का इससे गुणा कर देते हैं और 13 का 3 से कर देते हैं
और अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो हमारी लास्ट जोड़ कितनी आ जाएगी, 95/12। इस तरह हम किसी भी बिन को आसानी से जोड़ सकते हैं। और यदि हम इसको वापस मिश्र बिन में बदले तो 7/11/12। यदि हम इसको मिश्र बिन में बदल देंगे तो हमारा यह आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है लास्ट सवाल इसी का, पहले का पांचवा, 5/6 - 1/3। अभी हम देखे हर अलग अलग है तो अलग अलग होने पर लसब ले लीजिए। तो लसब क्या आ जाएगा, 6। अब हर का भाग अंश से गुणा, 6 में 6 का भाग 1 बढ़ जाता है और गुणा करेंगे अंश से। अब यह माइनस है तो माइनस, 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है और गुणा करेंगे अंश से। अब गुणा कर दीजिए 5 - 2/3, 6। तो यहाँ हो जाएगा 3/6। और यदि इसको हम काट के सरल कर लें तो 1/2। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी बिन की जोड़ एवं बाकी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा। तो यानी कि सरिता का हमें दिया हुआ है, ललिता का भी दिया हुआ है, दोनों ने कुल कितना खरीदा, यानी हमें कुल पूछा है। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों ने कुल मिला के, अर्थात हमें क्या करनी है, इन दोनों बिनों की जोड़ करनी है। तो देखते हैं, सरिता ने 2/5 मीटर ललिता ने 3/4 मीटर दोनों ने कुल रिबन खरीदा बराबर, दोनों ने कुल कितना खरीदा, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों की जोड़ कर देंगे। 2/5 + 3/4। अब हम देखते हैं हर अलग अलग है तो इनका हम लसब ले लेंगे, 5 और 4 का, तो हमारा लसब आ जाएगा 20। कितना लसब आ जाएगा, 20। सबसे पहले हमें रफ में लसब लेना है, तो लसब आ गया 20। अब वही हर का भाग अंश से गुणा, तो 5 का भाग 20 में जाता है 4 बार, गुणा करेंगे अंश से। 4 का भाग 20 में जाता है 5 बार और गुणा करेंगे अंश से। अब सरल कर देते हैं, 4 का 2 से गुणा, 5 का 3 से गुणा, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 23/20 मीटर। अतः दोनों ने कुल 23/20 मीटर रिबन खरीदा।
बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। लास्ट है आज का सवाल कि 7/8 मीटर की लंबाई के तार के दो टुकड़े हो जाते हैं, यदि एक टुकड़ा 1/4 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक लंबा तार था 7 मीटर, 7/8 मीटर, कहीं से टूट गया और एक टुकड़ा है 1/4, तो दूसरा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसमें हम, जोड़ या बाकी? तो हम इस सवाल में बाकी करेंगे। तार की लंबाई बराबर, तार कितना लंबा था? 7/8 मीटर। एक टुकड़े की लंबाई बराबर, एक टुकड़े की कितनी लंबाई है? वह है 1/4 मीटर। यह हमें एक टुकड़े की लंबाई दे दी, तो अब हमें दूसरे टुकड़े की बात करनी है। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर, क्या करेंगे इन दोनों को आपस में घटा देंगे। देखते हैं हर अलग अलग है तो इनका हमें लसब लेना होगा, तो 8 और 4 का लसब आ जाएगा 8। अब हर का भाग और अंश से गुणा, तो 8 में 8 का भाग एक बार, गुणा करेंगे अंश से। 4 में 4 का भाग 8 में दो बार और गुणा करेंगे अंश से। अब सरल कर लेते हैं। तो कितना टुकड़ा आया? 5/8 मीटर। अतः दूसरे टुकड़े की लंबाई 5/8 मीटर होगी। तो इस प्रकार आज हमने 7.5 और 7.6 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।